कबीर दास जी कहते हैं, आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, सो घूमा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद। जो घूमे के सैन को गूंगा ही पहचान, त्यों ज्ञानी के सुख को ज्ञानी होए सुजान। लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी परी बड़ा। जो देखे सो कहे नहीं, कहे सो देखे ना, सुने सो समझावे नहीं, रसना दृग श्रुति काय। भरो होई सो रीतई, रीतो होई भराय, रीतो भरो न पाइये अनुभव सोई कहाय। ऐसे ऐसो अद्भुत मत कथो, कथो तो धरो छिपाए, वेद कुराना ना लिखे कहूं तो कोपति आए। भगवान कृपा पूर्वक हमें इनका मर्म समझाएं। एक एक शब्द में गहरे चले। कहावत है सागर को गागर में भरने की, कबीर ने वही किया है। विराट को छोटे छोटे शब्दों में समाया है। साधारण बोलचाल के शब्द पर कबीर ने बड़े अनूठे अर्थों की कलमें पर लगाई। सुन के ऐसा लगेगा कि सब परिचित है। सतह शब्द की परिचित भला हो, गहराई परिचित नहीं, और एक एक शब्द अनंत यात्रा पर ले जा सकता है। आत्म अनुभव ज्ञान के जो कोई पूछे बात, सो गुंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। आत्मा अनुभव ज्ञान, वस्तुओं का ज्ञान भी हो सकता है, लेकिन वो ज्ञान बाहर से होगा। हम वस्तुओं के चारों तरफ परिक्रमा कर सकते हैं, और मंदिर में तुम जाते हो तो परमात्मा की परिक्रमा करते हो, वो परिक्रमा भी बाहर से, इसलिए झूठी हो गई। बाहर से हम कितना ही जान लें तो भी भीतर से कोई अनुभव उस जानकारी से न होगा। जब तक कि हम किसी वस्तु के प्राणों के प्राण में प्रवेश न पा जाएं, तब तक हमारी जानकारी सतह की होगी, जैसे कोई सागर को जाए देखने और लहरों को देख के लौट जाए। लहरों के नीचे छिपा है सागर और उसकी गहराई और उसके सारे खजाने। लहरों पर तो सिर्फ झाग है, कलह की, संघर्ष की, युद्ध की, वे मनुष्य की। लहरों पर तो सिर्फ उपद्रव तूफान है, असली सागर तो गहरे में छिपा है। पर उस सागर को जानने का एक ही उपाय है कि कोई डुबकी लगाए, गहरे में जाए। और डुबकी एक ही लग सकती है, वो है अपने में, क्योंकि दूसरे में हम कितने ही डुबकी लगाएं, हम कभी दूसरे की आत्मा को स्पर्श न कर पाएंगे। बाहरी बाहर हमारी परिक्रमा होगी, इसलिए सागर को भी पूरा जानना हो तो डुबकी ही काफी नहीं है, सागर के साथ मिल जाना होगा। जैसे नमक की डिग्री को कोई सागर में डाल दे और नमक पिघले और सागर के साथ एक हो जाए, तभी सागर की अनंत गहराई का पता चलेगा। तो ऐसा अनुभव, ऐसा ज्ञान तो सिर्फ अपना ही हो सकता है, दूसरे का नहीं। दूसरे के तो हम सदा बाहर ही होंगे। किसी को हम प्रेम भी करें तो भी उस प्रेम में हम उसके भीतर अंतरतम तक नहीं पहुंच पाएंगे, फिर भी हम बाहर होंगे, सीमा के बाहर होंगे।
यही तो तकलीफ प्रेमियों की है कि प्रेमियों को जितना लगता है कि करीब आ गए उतनी ही दूरी का पता चलता है। जैसे जैसे करीब आते हैं वैसे वैसे लगता है करीब होना असंभव है, दूरी तो बनी ही रहेगी, दूसरे से दूरी बनी ही रहेगी। इसलिए प्रेम कभी भी दूसरे के साथ तृप्त नहीं होता है जब तक कि प्रेम परमात्मा के साथ ना हो जाए, क्योंकि वो तुम ही हो, वो दूसरा नहीं है। वहां दूरी पूरी मिट जाती है, वहां एक और पूरा सद जाता है। ऐसे अनुभव को कबीर कहते हैं ज्ञान, और ऐसा अनुभव तो केवल आत्मा का ही हो सकता है। आत्मज्ञान ही एकमात्र ज्ञान है। सब ज्ञान जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है। ज्ञान तो वही जो मैंने चखा हो, और ये अनुभव के बिना ना होगा। बहुत सी बातें हैं दूसरे बता दें, अनुभव की कोई जरूरत नहीं। इस संसार के संबंध में हम जो भी जानते हैं वो दूसरों का बताया हुआ है। वैज्ञानिक बताते हैं तो विज्ञान हमारे हाथ आ जाता है, भूगोलविद बताते हैं तो हम जान लेते हैं हिमालय कहाँ है, तिब्बत कहाँ है, जानकारी हो जाती। संसार के संबंध में दूसरे के बताए हुए से काम चल जाता है, अपने संबंध में किसी का बताया हुआ काम न चलेगा। अपने संबंध में जो भी दूसरा बताया था वो झूठा ही होगा। तो तुमने जितना जान लिया हो उपनिषद से, वेद से, कुरान बाइबल से, संतों से, ज्ञानियों से, अपने संबंध में, उस पर भरोसा मत करना, क्योंकि तुम पराए नहीं हो। तुम्हारे संबंध में कोई दूसरा बताए ये बात ही बड़ी बेहूदी है। तुम खुद अपने को भी ना जान सको, इससे ज्यादा असमर्थता और क्या होगी? और तुम अपने को ही ना पहचान सको, इससे ज्यादा अंधापन क्या और होगा? और क्या तुम इतने अंधेरे में डूबे हो कि तुम्हारे संबंध में भी बताने को कोई और चाहिए, कोई बताए कि तुम हो? अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो साफ है कि तुम्हें अपने होने का भी कोई पता नहीं, और दूसरा ये पता कैसे दे सकेगा? इसका कोई उपाय नहीं जब तक कि तुम ही अनुभव में ना उतर जाओ। गुरु इशारे कर सकता है कि कैसे तुम अपने में जाओ, तुम्हारे संबंध में कुछ बता नहीं सकता। तुम्हें लाके खड़ा कर सकता है नदी के तट पर, पानी तो तुम्हें ही पीना पड़ेगा, और पानी पियोगे तो जो प्यास बुझेगी वो अनुभव है। पानी के संबंध में मैं तुम्हें बता दूंगा, पानी की सारी केमिस्ट्री समझा दूंगा कि कैसे पानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, कि पानी की कितनी दशाएं, कि पानी कितनी डिग्री पर बर्फ हो जाता है, कितनी डिग्री पर भाप बन जाता है, सब तुम्हें बता दूंगा पानी के संबंध में। लेकिन बताया हुआ तुम्हारी प्यास को ना बुझाएगा, तुम्हारा कंठ जलता ही रहेगा। कितनी ही जानकारी होगी, कंठ से उतार भी लोगे भीतर तो भी कंठ की प्यास ना बुझेगी। पानी के संबंध में कितना ही बताया जाए उससे प्यास का कोई संबंध नहीं जुड़ता है। इशारा समझ जाओ, पानी खोज लो और पियो, तो जो पी के प्रतीति होगी, वो जो कंठ शीतल हो जाएगा, वो जो जलन मिट जाएगी, वो जो विरह की अग्नि थी वो खो जाएगी, वो जो बेचैनी थी शांत हो जाएगी, तुम्हारे भीतर एक शांति, एक तृप्ति, एक संतोष का उदय होगा। वो अनुभव कोई भी दे नहीं सकता, तुम ही उस अनुभव को चाहो तो पा सकते हो। और अब तक तुमने यही कोशिश की है कि कोई और दे दे, तुम इतना भी कष्ट नहीं उठाना चाहते कि पानी पियो। प्यास तुम्हारी, मेरा पानी कैसे काम आएगा? तुम्हें अपना पानी खोजना ही पड़ेगा। इसलिए समस्त ज्ञानी कहते हैं कि अनुभव के अतिरिक्त और कोई ज्ञान नहीं।
और अगर अनुभव के अतिरिक्त तुमने कुछ ज्ञान इकट्ठा कर लिया हो तो जितनी जल्दी हो उसे छुटकारा पा लेना। जितनी देर वो बोझ तुम्हारे सिर पर रहेगा उतनी देर तक तुम सरोवर की तलाश में ना निकलोगे, क्योंकि तुम धोखे में हो। तुम सोचते हो बिना जाने तुमने जान ही लिया है, बिना पिए तुमने पी ही लिया है, बिना पाए तुमने पा ही लिया है। ये संभव नहीं। कबीर कहते हैं लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। कितना लिखा पड़ा है ज्ञान के संबंध में, और बहुत से लोग उस लिखे को ही पकड़ के बैठ गए। कबीर जहां थे काशी में, वहां तो पंडितों का जमाव था, चारों तरफ वही लोग थे जो सोचते थे लिखा लिखी की है बात। और वे जो वेद उपनिषद शास्त्रों के ज्ञाता थे वे कबीर को अज्ञानी समझते थे। कबीर एक अर्थ में अज्ञानी है, अगर पंडित ज्ञानी है तो कबीर अज्ञानी है। लेकिन पंडित का ज्ञान क्या है? बातें करेगा आत्मा की अमरता की, मौत आएगी तो कपेगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, सारी अमरता खो जाएगी मौत के मुकाबले, क्योंकि अमरता तो जानी नहीं, पढ़ी थी, देखी नहीं थी, सुनी थी, किसी और ने कही थी, किसी और का अनुभव रहा होगा, अपना अनुभव न था। जीवन की कसौटी मैं तुम तभी पूरे उतरोगे जब तुम्हारे पास अपने अनुभव का सोना हो, अन्यथा दूसरे के अनुभव का सोना तुम्हारे हाथ में आते ही पत्थर मिट्टी हो जाता है। जीवन की कसौटी पे ना उतरेगा, भला तर्क की कसौटी तो उतर जाए, भला विश्वविद्यालय तुम्हें उपाधियां दे दे, भला और लोग तुम्हें कहने लगे कि तुम जानकार हो, बड़े जानकार हो, लेकिन तुम अपने गहनतम में तो जानोगे ही कि तुमने जाना नहीं। वहां तो दिया बुझा, अभी ज्योति वहां प्रवेश नहीं हुई। पंडित दूसरे को धोखा दे दे, अपने को कैसे धोखा देगा? तुम्हारा ज्ञान ऐसा ही है। बुद्ध कहते थे कि एक आदमी था एक गांव में, वो बैठा हुआ अपने दरवाजे पर दूसरे लोगों की गाय भैंसों को जाते आते गिनता रहता था कि गांव में कितनी गाय कितनी भैंस। सुबह गायें जाती जंगल की तरफ, सांझ को लौटती, वो सदा हिसाब रखता था। लेकिन एक रत्ती दूध भी उसके हाथ नहीं आता था इस हिसाब से। तो बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते थे तुम उस आदमी जैसे मत हो जाना। सभी पंडित उस आदमी जैसे, वे दूसरों का हिसाब रख रहे हैं। वेद ने क्या कहा है, कुरान क्या कहती है, बाइबल के क्या वचन है? दूसरों की गाय भैंस गिनते गिनते जीवन बीत जाए तो भी एक बूंद दूध के हाथ ना आएगी, अपना अनुभव चाहिए। कबीर कहते हैं आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, सो गुंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। और बड़ी कठिनाई ये है कि जिसने जान लिया है वो भी तुम्हें देना चाहे तो नहीं दे सकता। तुम्हें ज्ञानियों की पीड़ा का कोई भी पता नहीं, तुम एक ही पीड़ा जानते हो अज्ञानी की। ज्ञानी की पीड़ा ये है कि उसे पता चल गया है, वो जानता है और तुम्हें देखता है भटकता होगा और चाहता है कि तुम्हें सब दे दे, लेकिन कोई उपाय नहीं। सो गुंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुखस्वान, वो गुंगे की भांति हो गया है, गुड़ तो चख लिया है, तुम्हें देख रहा है कि तुम भी गुड़ की तलाश में भटक रहे हो, तुम्हें देख रहा है कि तुम गिरते हो जीवन में, दुख पाते हो, पीड़ा है, कष्ट संताप है, तुम्हें भी स्वाद मिल जाए तो तुम्हारा भी स्वर्ग का द्वार खुल जाए। वो चाहता है कि तुम्हें सहारा दे, वो चिल्ला के तुमसे कह देना चाहता है बड़ा मीठा है, लेकिन जैसे गूंगा नहीं चिल्ला पाता, कंठ अवरुद्ध है, ओंठ बोलते नहीं, वैसे ही ज्ञानी भी कठिनाई में अपने को पाता है, वो गूंगे से भी बड़ी कठिनाई है।
क्योंकि गूंगे का तो कोई इलाज हो सकता है, ज्ञानी का कोई इलाज नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कठिनाई न बोलने की, शारीरिक कठिनाई नहीं, शारीरिक कठिनाई होती तो इलाज हो सकता था, वो कठिनाई तो आत्मज्ञान के अनुभव के स्वभाव की, वो ज्ञान ही ऐसा है कि कहा नहीं जा सकता। तुम भी जान लो तो ही तुम पहचान सकोगे, और अगर ज्ञानी कहने की चेष्टाएं भी करे तो सब चेष्टाएं असफल हो जाती, न केवल असफल हो जाती है बल्कि दुष्परिणाम लाती, क्योंकि वो कहता कुछ और है, कहा कुछ और जाता है, कहना वो कुछ और चाहता था, शब्द कुछ और ले जाते, पहुंचाना कुछ और चाहता था, जब तुम्हारी तरफ देखता है तो देखता है कुछ और पहुंच गया, तुमने कुछ और ही समझ लिया, इसलिए तो इतने संप्रदाय खड़े हुए। ज्ञानियों ने कहा था धर्म बन गए संप्रदाय, ज्ञानियों ने जो कहा था वो पहुंचा ही नहीं, तुम तक पहुंचते पहुंचते ही झूठ हो जाता है सत्य, तुम जैसे ही सुनते हो तुम उसमें संयुक्त हो जाते हो, तुम्हारा मन व्याख्याएं शुरू कर देता है, तुम अपने अर्थ रोक देते हो, तुम वही अर्थ कर लेते हो जो तुम करना चाहते हो। धर्म और संप्रदाय में यही भेद है, ज्ञानी तो चेष्टा करता है धर्म को तुम तक पहुंचाने की, जो पहुंचता है वो संप्रदाय है, ज्ञानी तो चाहता था तुम्हें मुक्त कर दे, जो घटना घटती है वो ये कि तुम और बंध जाते हो, एक और उपद्रव शुरू हो जाता है। ज्ञानी तो चाहता था कि तुम्हारे जीवन में प्रेम का आविर्भाव हो, लेकिन जब तुम्हारी तरफ देखता है तो पाता है कि तुम प्रेम के नाम पर ही युद्ध करने को तैयार खड़े हो। ईसाई है, जीसस कहते हैं प्रेम परमात्मा है, और ईसाइयों ने जितने युद्ध किए किसी ने भी नहीं किए, और जीसस ने कहा कि एक गाल पर तुम्हारे कोई चांटा मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर देना, और ईसाइयों ने तलवार उठा के लाखों लोगों को काट डाला, और जिनने काटा पता है आपको, एक हाथ में तलवार थी और एक हाथ में बाइबल थी, वो लोगों को धर्म देने के लिए ही तलवार लिए हुए थे। इस देश में वेद उपनिषद के ऋषि कहते हैं एक ही ब्रह्म है सब में, सब में उसी एक का वास है, कंकड़ में वही समाया हुआ है, और हिंदुओं ने जो किया वो बिल्कुल उल्टा है। ये पंडित जो दोहराता है उपनिषद की बात, वो भी अछूत को छूने को राजी नहीं, जाहिर है कि वो ब्रह्म को अछूत मानता है। अगर ब्रह्म सभी में है तो अछूत कौन, शूद्र कौन, कौन है जो अपवित्र है फिर? लेकिन ऐसा घटा इस मुल्क में, ज्ञानियों के मुल्क में, कि शूद्र को तो छूना असंभव था ही, शूद्र की छाया भी अगर पड़ जाए ब्राह्मण के ऊपर तो शूद्र को दंडित किया जाता था। छाया, छाया भी अपवित्र हो सकती, छाया तो है ही नहीं, ब्राह्मण बैठा हो शूद्र निकलता है और उसकी छाया ब्राह्मण को छूती हुई निकल जाए तो इस ब्राह्मण को मारा पीटा जा सकता है, इसकी हत्या भी की जा सकती है, ये जघन्य अपराध हो गया कि शूद्र की छाया ने ब्राह्मण को छू लिया। ब्रह्मज्ञानी छाया से भयभीत है, और जिन्होंने कण कण में ब्रह्म को बताया उनकी ये कैसी दुर्बुद्धि, नहीं जिन्होंने बताया उन्होंने तो ठीक ही बताया था, जिन्होंने सुना उन्होंने कुछ और ही सुना। गुरु और शिष्य के बीच शब्द जरा से ही यात्रा करते उतनी ही यात्रा में शब्द विकृत हो जाता है। ये विकृति शारीरिक नहीं है,
कंठगत नहीं है, मानसिक नहीं है, अन्यथा सुधार हो सकता था, हम कुछ परिष्कार कर सकते थे। ये स्वभावगत है, ये वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है कि हम वही कह सकते हैं और उसी से कह सकते हैं जो ठीक हमारी ही अनुभूति का। इसलिए कबीर कहते हैं जो गूंगे के सैन को गूंगा ही पहचान। गुरु का एक तल, शिष्य का दूसरा तल, बात हो कैसे सकती है? गुरु कहीं और खड़ा है किसी शिखर पर चैतन्य के, शिष्य खड़ा अंधकार में किसी खाड़ी में छिपा है, दोनों के बीच संवाद कैसे हो सकता है? वो जो भी कहेगा गुरु अपने स्वर्ण शिखर से, उसे उतरना पड़ेगा अंधेरे की घाटी में। वे शब्द जो वो छोड़ेगा उतरेंगे तुम्हारे अंधकार में, तुम्हारा अंधकार उन शब्दों से लिपट जाएगा, तुम तक पहुंचते पहुंचते अंधकार ही पहुंचेगा, वो शब्द खो जाएंगे। इसलिए कबीर कहते हैं जब तक तुम भी उसी तल पर न खड़े हो जाओ। गूंगे गूंगे के सैन को समझ लेते हैं। अगर एक गूंगा दूसरे गूंगे को कहना चाहे कि बड़ा मीठा है तो कह देगा, इशारा कर देगा, उनकी एक ही भाषा है, एक ही तल है, एक ही उनका अनुभव है। इसका अर्थ हुआ कि जब तक अनुभव समान न हो तब तक संवाद नहीं हो सकता, विवाद हो सकता है, संवाद नहीं हो सकता। मैं तुमसे कुछ कहूं तत्क्षण तुम्हारे भीतर विवाद उठ सकता है कि ये बात ठीक है या गलत, तुम तर्क वितर्क में पा सकते हो लेकिन संवाद नहीं होगा। संवाद का अर्थ तो है कि यहाँ कहा जैसा कहा वैसा ही तुमने समझा, रत्ती भर भेद न हुआ। ये तो तभी होगा जब तुम ठीक उसी जगह खड़े हो जाओ जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये तो तभी होगा जब दो व्यक्ति एक ही तल पर खड़े हो, रत्ती भर भी भेद न हो। ज्ञानी ही ज्ञानी को समझा पाएंगे, लेकिन तब तो बड़ी व्यर्थता हो गई, ज्ञानी को समझाने की कोई जरूरत नहीं। ये जीवन का विरोधाभास है, जो समझ सकता है उसे समझाने की जरूरत नहीं, जो नहीं समझ सकता उसे ही समझाने की जरूरत है और उसे समझाया नहीं जा सकता। तो क्या किया जाए? जिन्होंने जाना वो कैसे अपनी संपदा को बांटे, जिन्होंने जाना है वो किस भांति तुम्हें भी उस तरफ ले जाए जहां जानने की घटना घटे, जिन्होंने चखा है स्वाद तुम्हें कैसे पुकारे उस यात्रा के लिए। अनेक विधियां खोजी गई, तुम्हारे और ज्ञानी के बीच के रास्ते को पाटने के लिए ही सारे योग हैं, सारी विधियां, सारे मार्ग। पतंजलि ने कहा है श्रद्धा पाट देगी तब विवाद पैदा न होगा। श्रद्धा का अर्थ है जो कहा गया तुमने उसे स्वीकार कर लिया, जानते हुए कि तुम्हारी अभी ऐसी अवस्था नहीं, जानते हुए कि तुम अंधकार में खड़े हो, तुमने प्रकाश की बात को स्वीकार कर लिया, तुमने विवाद न उठाया, तुमने भीतर तर्क का उहापोह न किया, तुमने पूछताछ न की, क्योंकि तुमने तर्क उठाया पूछताछ की उसी बीच जो कहा गया था उसका अर्थ खो जाएगा। फिर तुम जो भी अर्थ निकाल लोगे वो तुम्हारा अपना होगा। श्रद्धा का एक ही अर्थ है, वो है तरकीब गुरु और शिष्य के बीच के फासले को पाटने की। गुरु ने जो कहा तुमने सिर्फ सुन लिया, स्वीकार कर लिया, तुम चल पड़े, तुमने चर्चा ना उठाई, तुमने इशारा देखा और तुमने यात्रा शुरू कर दी, तुमने एक क्षण को भी झिझक ना की, तुमने एक क्षण को भी रुक ना सोचे कि पहले सोच लूं कहां जा रहा हूं क्यों जा रहा हूं। तुमने अपने मन से कुछ भी ना पूछा, तुमने मन को बात दे दी। श्रद्धा का अर्थ है मन को बात दे देना, तुमने मन को कहा कि तू अपनी जगह, मुझे सीधा सुनने दे, तू बीच में मत आ, तू व्याख्या मत कर, तेरे व्याख्या की जरूरत नहीं, तू चुप हो,
फिर जरूरत होगी पूछ लेंगे, लेकिन तुम बीच में मत आ और बिन मांगी सलाह मत दे। श्रद्धा का अर्थ है मन तो कोशिश करेगा ही, क्योंकि उसकी सदा की आदत है। तुम कुछ भी करो तो वो कहेगा करना उचित है नहीं है उचित है, वो तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही करता है इंसान। संसार में तो ठीक है, संसार के पार जाने में बाधा हो जाता है, क्योंकि जिसका उसे पता ही नहीं वो संबंध में कैसे बात करे जो स्वाद उसने लिया ही नहीं। तो पहले तो वो यही कहेगा कि बात भरोसे की नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और उसका कहना ठीक है, क्योंकि तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, और तुम्हें जो हुआ है उसी का संग्रह तुम्हारा मन है। तुम्हें अब तक जो जो अनुभव हुए हैं उसका ही जोड़ तुम्हारा मन है। मन तत्क्षण कहेगा ऐसा कभी हुआ नहीं, ये स्वाद होता ही नहीं, ये आदमी धोखा दे रहा है, इस आदमी की मर्जी कुछ और होगी, ये तुम्हें किसी जाल में फंसा लेना चाहता है, ऐसा तो होता ही नहीं, ये तो तर्क के विपरीत है, बुद्धि के विपरीत। मत सुनो, समझो, सावधान हो जाओ, हट जाओ यहां से, भाग जाओ यहां से। मन तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही कह रहा, और गलत भी नहीं कह रहा, क्योंकि जो भी वो जानता है उस अनुभव में ऐसे किसी स्वाद की कोई खबर नहीं। तो करना क्या है, अगर मन को सुन लेते हो तो अज्ञात के द्वार बंद हो जाते, तो जो तुमने नहीं जाना है वो फिर सदा ही अनजाना रह जाएगा, क्योंकि मन तो उसी के पक्ष में गवाही देगा जो उसने जाना है। काम वासना मन ने जानी, उसका स्वाद उसे है, ब्रह्मचरी का उसे कोई स्वाद नहीं। अगर कोई ब्रह्मचरी की बात करे तो मन कहेगा बकवास है, ये स्वाद तो जाना नहीं, ये तो अपनी कोई पहचान नहीं है। ऊर्जा को नीचे बहते देखा है, ऊर्जा को नीचे बहते हुए क्षण भर को मिले सुख को भी जाना है, लेकिन ऊर्जा को ऊपर उठते तो देखा नहीं। और ऊपर ऊर्जा उठ कैसे सकती, कभी उठी नहीं, जो कभी हुआ नहीं मन कहता है वो होगा कैसे, अगर हो सकता होता तो पहले ही हो गया होता। तुम्हारा मन ये कहता है कि सब हो चुका है, और गुरु कहता है अभी सब बाकी, अभी जो भी हुआ है वो न होने के बराबर है, अभी कुछ हुआ ही नहीं, अभी तुम बीज हो वृक्ष में। और मन कहता है तुम तो बीज हो, जो लगना था लग चुका है, जो होना था हो चुका है, तुम वृक्ष हो बीज नहीं। मन कहता है सब संभावनाएं समाप्त हो गई, इसलिए तो मन इतना उबा हुआ है। मन सदा ही उबा हुआ रहता है, क्योंकि वो देखता सब हो चुका, जो भोजन करने थे कर लिए, जो स्वाद लेना था ले लिया, फिर पुनरुक्ति है, जो भोगना था भोग लिया, फिर दोहरावा है। मन को तो साफ है कि एक चक्कर है जिसमें हम घूम रहे, पुनरुक्ति, लेकिन मन को पता नहीं। संसार मन से बहुत बड़ा है, सत्य ज्ञात से अनंत गुना बड़ा है। गुरु यही कह रहा है कि जो अभी हुआ है वो तो शुरुआत भी नहीं, अभी तो तुम भवन के बाहर ही खड़े हो, सीढ़ियां भी नहीं चढ़े, अभी महल के भीतर तो तुम्हारा प्रवेश बहुत दूर है। अब सवाल ये है कि कैसे ये बात मानी जाए, अगर तुम मन की सुनो तो गुरु की नहीं सुन सकते, अगर तुम गुरु की सुनना चाहो तो मन को बात देना पड़ेगी। इसलिए पतंजलि ने श्रद्धा को पहला आधार बनाया, और समस्त ज्ञानियों ने पहला आधार बनाया श्रद्धा का कारण। श्रद्धा का कारण यह है जो कबीर कह रहे हैं, आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, सो गुंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। जो गूंगे के सेन को गूंगा ही पहचान, क्यों ज्ञानी के सुख को ज्ञानी हो सजान। वो जो महासुख ज्ञानी को मिला है, तुम्हारी भाषा में कोई शब्द भी तो नहीं कि उसके संबंध में इंगित किया जा सके, तुम्हारी भाषा है, तुम्हारे अनुभव से बनी है। ज्ञानी की कोई भाषा अब तक नहीं है, क्योंकि ज्ञानी का सारा अनुभव मौन का है, शून्य का है, शांति का है। ज्ञानी का अनुभव विचार का नहीं है, निर्विचार का है। ज्ञानी ने जो भी जाना है
वो शून्य में जाना है, वहां कोई शब्द नहीं। जिसे तुम शून्य में जानते हो उसे शब्द में न कह पाओगे, जो शून्य में उपजता है वो शून्य में ही कहा जा सकता है, गूंगा ही गूंगे को कह सकेगा, लेकिन गूंगे को गूंगे से कहने की कोई जरूरत नहीं। बुद्ध और महावीर अनेक बार एक ही गांव में साथ ठहर जाते थे, एक बार तो एक ही धर्मशाला में साथ ठहरे, फिर भी मिलन न हुआ, जरूरत ना थी। सवाल रहा है जैनो बौद्धों के सामने की क्यों नहीं मिले, अहंकारी मालूम होते। जब दोनों एक ही धर्मशाला में ठहरे थे तो मिल लेना था, मां सौभाग्य का क्षण होता, दोनों मिलते तो पता नहीं कौन सा फूल खिलता दोनों के बीच। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि मिलने की कोई जरूरत नहीं थी, दोनों गूंगे थे और दोनों ने गुड़ का स्वाद लिया था। अब सेन करने का सरोकार क्या था, जो करता सेन वो ना समझ सिद्ध होता, जो बोलने की कोशिश करता वो गलत सिद्ध होता, क्योंकि उसे अभी इतना भी नहीं दिखाई पड़ रहा कि दूसरा भी वहीं पहुंच गया है। मिलना नहीं हुआ क्योंकि मिलने की कोई जरूरत ही ना रही। तीन तरह की संभावनाएं, दो अज्ञानी मिले तो बड़ी चर्चा होती, चर्चा ही चर्चा होती, और कुछ होने को होता भी नहीं, बकवास है लेकिन चलती है, घंटों चल सकते। या दो ज्ञानी मिले, चर्चा होती नहीं, सन्नाटा रहता है, मौन, दोनों के बीच शून्य तिरता है। जिससे दोनों दो किनारे हैं, बीच में शून्य की नदी बहती, कोई शोरगुल नहीं होता, कोई आवाज नहीं उठती, कोई बात नहीं उठती। या एक ज्ञानी और अज्ञानी मिले, दो अज्ञानी मिले चर्चा होती, कोई सार नहीं, दो ज्ञानी मिले सार रहता है, चर्चा नहीं। तीसरी संभावना है ज्ञानी और अज्ञानी की, वहां दो उपाय, या तो अज्ञानी बोले और ज्ञानी सुने, जो कि अक्सर होता है। मेरे पास लोग आते हैं, वो आते हैं पूछने और बताना शुरू कर देते हैं, आते हैं कि कुछ पूछना, भूल ही जाते हैं पूछने की बात, कुछ बता के चले जाते हैं, जाते वक्त कह जाते हैं बड़ा आनंद आया आपने कैसी अच्छी बातें कही। एक यहूदी फकीर हुआ बाल से, एक आदमी आया बकवासी, उसने इतनी बकवास की कि बालसिंह को समझ ही ना आया कब उससे कैसे छुटकारा ले, और वो बोल ही जा रहा है, वो इतना भी मौका नहीं देता, संधि भी नहीं देता कि वो कहेंगे बस भाई अब बहुत हुआ, मुझे कोई दूसरा काम करना। अंततः उस बकवासी ने कहा, मैं दूसरे गांव में गया था फलां फकीर के पास, आपके संबंध में बात हुई, उन्होंने आपके संबंध में कुछ बातें कही, मौका देख के बांसल ने कहा कि बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ। वो बकवासी भी हैरान हुआ, उसने कहा कि तो मैंने बताया नहीं कि उन्होंने क्या कहा, और आप कहते हैं सरासर झूठ, बिल्कुल झूठ। बालसेन ने कहा कि निश्चित कहता हूं कि सरासर झूठ, क्योंकि तुमने उस फकीर को भी बोलने का मौका ना दिया होगा, बताएगा कैसे, हम अपने अनुभव से देख रहे हैं मौका ही नहीं। या तो अज्ञानी बोले, ज्ञानी सुने, जैसा कि अक्सर होता है, ज्ञानी सुन लेता है करुणा वसात, शायद तुम बोल के ही हल्के हो जाओ,
शायद इस तरह ही तुम्हारे मन का बोझ थोड़ा कम हो। बोलना भी तो रोचन कठारसी से सुन लेता है। इसी सुनने के आधार पर तो पश्चिम में बहुत बड़ा धंधा चल रहा है, इसमें बड़े से बड़ा धंधा साइको एनालिसिस मनोविश्लेषण, बहुत महंगा काम है मनोविश्लेषण। और मनोविश्लेषक कुछ भी नहीं करता, सिर्फ सुनता है। फ्रायड ने अज्ञानियों के लिए बड़ी सुविधा खोजी। फ्रायड का जो इंजाम है मनोविश्लेषण का, उसमें रुग्ण आदमी को, मानसिक रुग्ण आदमी को और अज्ञानी यानी मानसिक रुग्ण, उसे सलाह देते हैं कोच पर। मनोविश्लेषक कोच के पीछे बैठ जाता और उससे कहता तुम्हें जो भी बोलना है बोलो। फ्री एसोसिएशन ऑफ थॉट्स, जो भी आता है मन में। अब तुम्हें ये भी चिंता करने की जरूरत नहीं कि संगत के असंगत के सार के असार कुछ भी अनर्गल, बस आने दो और तुम बोलते चले जाओ। ऐसा मनोविश्लेषण कभी कभी 3 साल 4 साल हैसियत के ऊपर है एक आदमी का, क्योंकि बहुत महंगा काम है। 3-4 साल तक चलता है, रोज 1 घंटा या सप्ताह में 2 घंटा या 3 घंटा। और मनोविश्लेषक केवल सुनता है। और अनेक लोग 3 साल बकवास करके काफी शांत हो जाते। मनोविश्लेषक कुछ करता नहीं, सिर्फ सुनता है। वो प्रोफेशनल सुनने वाला है, प्रोफेशनल श्रोता। तुमने प्रोफेशनल वक्ता देखे होंगे, वो प्रोफेशनल श्रोता है, सिर्फ सुनता है। फ्रायड से उसका एक शिष्य एक दिन बोला, क्योंकि फ्रायड बूढ़ा हो गया था और फिर भी दिन में 8-10 घंटे काम करता था, 8-10 आदमियों की बकवास सुनता था। एक नया युवक जो भी नया नया दीक्षित हुआ है मनोविश्लेषण में, उसने कहा कि आप थकते नहीं, और मैं तो 2-3 मरीजों के बाद ऐसा थक जाता हूँ कि मर ही जाऊंगा। आप अद्भुत हैं, आप सुने चले जाते हैं सुबह से शाम तक। फ्रायड का मूर्ख सुनता कौन। मरीज बोलता है वो ठीक, सुनता कौन। नहीं तो थक ही जाओगे। पश्चिम में मनोविश्लेषण एक बढ़ता हुआ धंधा है, रोज बढ़ता जाता है। उसके कारण है जिंदगी में अब लोगों को इतनी सुविधा नहीं है कि एक दूसरे को सुने, समय की कमी। कौन किसको सुनता है, पत्नी पति को नहीं सुनती, पति पत्नी को नहीं सुनता, फुर्सत भी नहीं है। तो एक धंधेबाज आदमी जो सुनता है, राहत मिलती। ज्ञानी अज्ञानी को सुन सकता है सिर्फ इसलिए कि शायद तुम्हें थोड़ी राहत मिल जाए। लेकिन होना उल्टा चाहिए कि अज्ञानी ज्ञानी को सुने, पर वो तभी हो सकता है जब श्रद्धा बीच में। नहीं तो ज्ञानी जो भी कहेगा उसी पर अविश्वास आएगा। वो जो भी कहेगा वो सभी अविश्वास लाएगा। मन कहेगा ये हो नहीं सकता, ये असंभव है। और जो असंभव है उस तरफ कदम क्यों उठाने, शक्ति क्यों व्यय करनी, उस दिशा में मन को क्यों लगाना। श्रद्धा की जरूरत है ताकि तुम मन को बात कर सको। मन तुम्हें अज्ञात के अनुभव में न जाने देगा। मन तुम्हें किनारे से अटकाए रखेगा, सागर में न उतरने देगा। क्योंकि मन कहेगा दूसरा कुल कहाँ, किनारा कहाँ। जिस नाव पर तुम बैठ के जा रहे हो, क्या भरोसा है कि उस पार पहुंचाएगी। वो पार दिखाई भी नहीं पड़ता, ये भी हो सकता है हो ही ना। कुल कभी पहुंचा है कि तुम झंझट में पड़ते हो, क्योंकि जो भी उस पार गए लौट कर कोई कहते नहीं कि पहुंचे नहीं पहुंचे। और जिस आदमी की बातचीत में तुम पड़े हो, इसके पास नक्शा है, जिस अज्ञात की बात कर रहा है, प्रमाण है, कोई वास्तविक आधार है। नहीं, गुरु तुम्हें कोई प्रमाण नहीं दे सकता, क्योंकि प्रमाण है नहीं, उसका अनुभव ही प्रमाण है।
और उस अनुभव में तुम तभी उतर सकते हो जब तुम्हारे मन में बड़ी गहन श्रद्धा हो, इतनी गहन श्रद्धा हो कि तुम अपने और उसके फासले को तोड़ दो, ताकि उसके अनुभव का तुम्हें सीधा सीधा प्रतीति और साक्षात्कार होने लगे, ताकि जो उसके भीतर धुन बज रही है वो तुम्हें भी सुनाई पड़ जाए, जो स्वाद उसके कंठ तक भर आया है उसकी थोड़ी सी छलक तुम्हें भी मिल जाए, वो जो हो गया है उसकी ज्योति तुम्हें भी छी गई और तुम्हारे भीतर का अंधेरा थोड़ा सा भी बिजली की कौन से भर जाए, तुम भी देख पाओ एक क्षण को कि तुम कौन। पर इसके लिए मौका चाहिए, मौका श्रद्धा देगी। सो गुंगा गुण खाई के कहे कौन मुख स्वाद, जो गुंगे के स्वयं को गुंगा ही पहचान, त्यों ज्ञानी के सुख को ज्ञानी हो सुजान। एक बात मन में बांध कर रख लेना, कोई तुम्हें न जचे, कोई गुरु कोई ज्ञानी कोई संत न जचे तो हट जाना, लेकिन निर्णय मत लेना कि गलत है, क्योंकि तुम कैसे निर्णय लोगे। न जचे तो चुपचाप हट जाना, कह देना कि ये मार्ग अपने लिए नहीं, लेकिन निर्णय मत लेना, क्योंकि बहुत से लोग बुद्ध के पास निर्णय लेके लौट गए कि आदमी गलत है, बहुत से लोग महावीर के पास निर्णय लेके लौट गए कि आदमी गलत है, बहुतों ने जीसस को सूली पे लटका दिया यही मान के कि आदमी गलत है। तो तुम अपने को बहुत बुद्धिमान में समझ रहे, वे सब तुम्हारे जैसे ही बुद्धिमान लोग थे। क्या हुआ जिन्होंने निर्णय लिया बुद्ध के पास कि आदमी ठीक नहीं, ये बातें भरोसे की नहीं, वो तुम्हारे जैसे ही बुद्धिमान थे, यही तर्क यही मन उनके पास था, यही अनुभव संसार का उनके पास था, दूसरे संसार का कोई अनुभव न था, कैसे भरोसा करते। वो दूसरा किनारा दिखाई नहीं पड़ता और बुद्ध दूसरे किनारे की बात कर रहे हैं, जो अनजान है अज्ञात है, न केवल अज्ञात बल्कि अज्ञेय, जिसे हम जान जान के भी कभी चुकता न कर पाएंगे, जो सदा जानने को शेष रहेगा, हम जानते जाएंगे और फिर भी शेष रहेगा, जो सदा अपूर्ण रहेगा, उसकी पूर्णता ऐसी है कि वो विकसित होता रहेगा, उसकी पूर्णता अपूर्णता में विरोध नहीं। ये जो बुद्ध बात कर रहे थे तर्कातीत थी, बहुतों को भरोसा नहीं आया, उन्होंने अविश्वास किया, उस अविश्वास से बुद्ध का कुछ खोता नहीं, उस अविश्वास से वे ही वंचित रह जाते हैं जो अविश्वास करते हैं। ध्यान रखना, तुम्हारे अविश्वास से किसी का कुछ नहीं खोता, सिर्फ तुम्हारी यात्रा कुंठित हो जाती। अगर तुम्हें कोई आदमी ठीक ना भी लगे तो भी तुम बिना निर्णय लिए चुपचाप हट जाना, कहीं और खोजना, क्योंकि खतरा क्या है, अगर तुम निर्णय लो कि ये आदमी ठीक नहीं है इसलिए मैं हट रहा हूँ, तुम इसलिए हटना कि शायद मुझे ये मार्ग नहीं चलता। इन दोनों में फर्क है। तुम मेरे पास आए हो, तुम्हें लगे कि बात तुम्हें नहीं जमती, तो तुम ये सोचना कि मुझे नहीं जमती और हट जाना। क्यों? क्योंकि तब तुम कहीं न कहीं कोई उपाय खोज लोगे जो तुम्हें जम जाए। लेकिन अगर तुमने ये निर्णय लिया कि आदमी गलत है, तो तुम्हारा मन मजबूत हो रहा है, तुम दूसरी जगह भी यही निर्णय लोगे ये आदमी गलत है, तीसरी जगह भी यही निर्णय लोगे, धीरे धीरे ये निर्णय एक पत्थर की तरह तुम्हारी छाती पे बैठ जाएगा, तुम जहां भी जाओगे वहीं ये पत्थर द्वार पर दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा, अवरुद्ध कर देगा। अपनी भूल देख लेना और ज्ञानी को तुम पहचान ना पाओगे। कबीर कहते हैं ज्ञानी के सुख को केवल ज्ञानी ही जान सकता है, बुद्ध को पहचानने के लिए बुद्ध होने के अतिरिक्त तो और कोई मार्ग नहीं। कृष्ण को समझना हो तो कृष्ण ही होना पड़े, इससे कम में काम ना चलेगा। लेकिन हम बड़ी जल्दी निर्णय लेते हैं, हम अपनी घाटी में अंधेरे में दबे उन पहाड़ों के शिखरों के संबंध में निर्णय लेते हैं जिन तक न हमारी आंखें पहुंचती। यात्रा तो दूर, जिनकी झलक भी हमें नहीं मिलती, हम निर्णय ले लेते हैं। निर्णय एक कारण से हम लेते हैं, हमारा मन चाहता है हर जगह पाए गलत है, क्योंकि अगर हर जगह गलत है तो कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, हम अपनी अंधेरी गली में पड़े रह सकते हैं निश्चिंत। अगर कहीं भी कोई ठीक है तो यात्रा करनी पड़ेगी,
यात्रा कष्टप्रद मालूम होती, श्रम मालूम होता है। मन आलस्य है, वो कहता सो, कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं, यही घाटी सब कुछ, ये बाजार में धन कमा लेना, बच्चे पैदा कर लेना, थोड़ा नाम अखबारों में छप जाए, मरते वक्त 100-200 लोग मरघट तक पहुंचाएं, बस यही काफी है, पर्याप्त है, सफल हो गए तुम। कैसी सफलता है। और बड़े मजे की बात यह कि तुम बुद्धों पे शक करोगे लेकिन इस मन पे शक ना करोगे जो तुम्हें कीड़ा बना रहा है। तुम कभी ये ना कहोगे कि मन ये क्या कह रहा है, कि बस ये काफी है कि 10-5 बच्चे पैदा कर लिए, कि थोड़ा धन कमा लिया, कि तिजोरी भर ली, कि थोड़ा नाम यश हो गया, फिर लोग गए और दफनाए, पर्याप्त हो गया, जीवन की इतिश्री हो गई, उपलब्धि हो गई। ये मन तुमसे यही कह रहा है। प्रार्थना करने बैठते हो तो कहता है दुकान घंटे भर में कितना ना कमा लेते, पूजा के लिए बैठते हो तो जल्दी करता है, वैसा के घर जाते हो तो कहता है कि रात थोड़ी और लंबी होती तो अच्छा था। इस मन पे तुम कभी संदेह नहीं करते, संदेह ही करना हो तो इस मन पे करो, लेकिन इस पे तुम कोई संदेह नहीं करते। इससे तुम इतने लिप्त हो कि तुम ये भूल ही गए हो कि तुमसे अलग है, तुमने इसके साथ तादात्म्य कर लिया है। संदेह तुम बुद्धों पे करोगे क्योंकि उनके कारण यात्रा शुरू होगी, श्रम होगा, जीवन में तपश्चर्या आएगी, रूपांतरण होगा, तुम्हें बदलना होगा, तुम जो हो वही न रह सकोगे, वहां तुम हजार बहाने खोजते हो। क्यों ज्ञानी के सुख को ज्ञानी हो सुजान, लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी बात, इससे प्यारे शब्द तुम कहां खोज सकोगे। लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी बात, ये कोई लिखने का सवाल नहीं है, ये किताबों में नहीं है, शास्त्रों में नहीं है, आगम निगम कहीं भी इसे तुम न पाओगे। पढ़ जाओ वेद, कंठस्थ कर लो, चारों वेदों के ज्ञाता हो जाओ, चतुर्वेदी हो जाओ, कबीर कहते फिर भी तुम न पाओगे। लिखा लिखी की बात ही नहीं, देखने का सवाल है। ऐसे ही जैसे अंधा आदमी प्रकाश के संबंध में जो भी लिखा हो सब याद कर ले, प्रकाश की पूरी कीमिया समझ ले, जो जो प्रकाश के संबंध में मनुष्य ने खोजा है सब अपनी स्मृति में भर ले, तो भी क्या एक किरण पैदा होगी, तो भी क्या जरा सा उजाला होगा, इतना कि दो कदम चल सके, कोई उपाय नहीं। लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी बात, देखना ही पड़ेगा, आंख खुलनी चाहिए, और जिन आंखों से तुम देख रहे हो ये केवल बाहर की आंखें हैं, भीतर भी आंखें। योग की आखिरी खोज और गहनतम खोज स्मरण रख लो। योग कहता है जितनी क्षमताएं बाहर है उतनी ही क्षमताएं भीतर है, होनी भी चाहिए, क्योंकि नदी एक किनारे की नहीं होती, दो किनारे होंगे, चाहे दूसरा किनारा दिखाई पड़े न दिखाई पड़े। रुपए में एक ही पहलू नहीं होता, दूसरा पहलू होता है, चाहे दूसरा पहलू दबा हो दिखाई ना पड़ता हो। तुम आंख से बाहर देखते हो, इसका दूसरा पहलू और दूसरा किनारा भी होना ही चाहिए कि तुम भीतर की आंख से भीतर देख सको। तुम कान से बाहर सुनते हो, जरूर वे कान भी होने चाहिए जिनसे तुम भीतर सुन सको। तुम चीजों को स्पर्श करते हो, अनुभव करते हो हाथों से, जरूर भीतर भी स्पर्श की क्षमता होनी चाहिए ताकि तुम अपना अनुभव कर सको। अन्यथा बात बड़ी बेहोदी मालूम पड़ेगी कि हम और सबका तो अनुभव कर सकते हैं, अपना अनुभव नहीं कर सकते, और सबको तो देख सकते हैं, अपने को देख नहीं सकते। संसार भर का उपद्रव तो हम सुनेंगे, भीतर का संगीत हम ना सुनेंगे। नहीं, योग कहता है, सांख्य कहता है,
इंद्रियां दो तरह की हैं, एक स्थूल इंद्रियां हैं जो बाहर की तरफ जाती, सूक्ष्म इंद्रियां हैं जो भीतर की तरफ जाती। और भीतर तो कोई शास्त्र नहीं है जिसे तुम पढ़ लो, बाहर तो वेद है, कुरान है, बाइबल है, भीतर तो कोई शास्त्र नहीं है, भीतर तो सिर्फ आत्मा है, भीतर तो सिर्फ तुम हो, वही शास्त्र है। जब भीतर की आंख उस भीतर के सांस को देख लेती, उसको कबीर कहते हैं देखा देखी बात। जब तुम अपने आमने सामने खड़े हो जाते, जब तुम्हारी अपने से पहचान हो जाती, जब तुम अपने को ऐसे देख लेते हो कि देखने को कुछ और शेष न रह जाए, देखा देखी बात, लिखा लिखी की है नहीं। और तुमने काफी समय गंवाया लिखा लिखी में, कितना तो तुम जानते ही हो, ऐसे भी जानने को क्या बाकी रहा है। कितनी बार तुमने शास्त्र पढ़े, जन्मों जन्मों से तुम शब्दों में भटक रहे हो, फिर भी तुम्हें होश नहीं आता। तुम जागो और शब्दों को गिरा दो, सूखे पत्ते हैं शब्द, जैसे जब सूख जाते हैं पत्ते और वृक्षों से गिर जाते हैं। शब्द उन ज्ञानियों से निकले हैं जिनमें कभी अनुभव के हरे पत्ते लगे थे, फिर वे सूख गए, फिर वे पत्ते गिर गए, और तुम सूखे पत्ते इकट्ठे किए बैठे हो। आग लगा दो और सेक लो, ठंडी रातें हैं, सुख होगा। शब्दों को जो जलाना सीख जाए वही अनुभव में उतरने की कला सीख पाता है। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। ऐसा हुआ जिन फकीर लिंची के संबंध में बड़ी अनूठी कथा है कि जिस दिन उसे ज्ञान हुआ वो वृक्ष के नीचे बैठा था, भागा भीतर गया अपने कक्ष में, शास्त्रों को उठा के लाया, बुद्ध के बहुमूल्य वचन, पूरा त्रिपिटक, बाहर आके आग लगा दी, भीड़ इकट्ठी हो गई, लोगों ने समझा पागल हो गए। इससे ज्यादा और पाप का कृत्य क्या होगा कि बुद्ध के परम वचनों में आग लगा दी और वो खिलखिला के हंस रहा है और आग बढ़ती जा रही और बुद्ध के वचन जलते जा रहे हैं और लोग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं आग को कि कुछ भी बचा लिया जाए, लेकिन वो हंस रहा, वो कह रहा पागलो कोई बचाने की जरूरत नहीं, कुछ बचाने योग्य नहीं। पीछे लोगों ने उससे पूछा क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इतने बहुमूल्य शास्त्र। उसने कहा कि आज देख लिया और पता चल गया कि शास्त्रों में कुछ भी नहीं। उस दिन अगर उसे कबीर के वचन का पता होता तो उसने कहा होता लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। और इन शास्त्रों को जला रहा हूं लिंची ने कहा ताकि तुम भी सजग हो जाओ। ऐसा नहीं कि शास्त्रों में कुछ भी नहीं, शास्त्रों में उन्हीं के वचन हैं जिन्होंने देखा था, लेकिन उनका दर्शन तो उनके पास रह जाता है, शब्दों में दर्शन तो आता नहीं। शब्द तो चली हुई कारतूस की तरह, अब तुम उनको इकट्ठा किए रहो, वे किसी काम के नहीं। शब्द से छुटकारा चाहिए सत्य तक पहुंचने को, शब्द से छुटकारे में ही मन से छुटकारा होता है, शब्द से छुटकारा ही अनुभव की तरफ पहला कदम है। दुल्हा दुल्हन मिल गए ठीक ही पड़ी बरात, बड़ा प्यारा वचन है। दुल्हा बरात के साथ जाता है, बैंड बाजे, शोरगुल, उत्सव। अभी बरात बड़ी महत्वपूर्ण है, बुला बुला के मित्रों को अतिथियों को इकट्ठा करते,
सब अपनों को, सगे संबंधियों को लेकर बारात जाती है। फिर दूल्हा दुल्हन मिल गए और जैसे ही विवाह हो गया, जो चीज पहले भूल जाती है वो बारात। फिर दूल्हा कहां पे कर गया था बारात की? बारात अब तक ठीक थी जब तक दूल्हा दुल्हन न मिले थे। कबीर कह रहे हैं ऐसे ही शास्त्र, ऐसे ही शब्द बारात। और जब दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, फिर वेद में क्या रखा है? राग। फिर सब शास्त्र बेकार। अब तक ठीक थे जब तक दुल्हन के द्वार तक न पहुंचे थे। दुल्हन के द्वार तक शास्त्र ले आए तो काफी, बारात का काम कर दे बस बहुत। पर जैसे ही दुल्हन मिल गई, फिर कौन फिक्र करता बारात की? वही फीकी पड़ जाती है बारात, बात ही खत्म हो गई। आदमी पार कर गया, फिर नदी को, नाव की कौन चिंता करता है? पुल से गुजर गए, फिर पुल की कौन याद करता है? सीढ़ी से चढ़ गए, फिर सीढ़ी को कौन धोए फिरता है? लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। जो देखे सो कहे नहीं, कहे सो देखे नहीं, सुने सो समझावे नहीं, रसना द्रग सुत काहे। शरीर शास्त्री मन शास्त्री दोनों कबीर के इस वचन से सहमत हैं। आधुनिक विज्ञान भी इस वचन का अर्थ है, आंखें देखती हैं, जो देखे सो कहे नहीं, और आंखें बोलती नहीं। कहे सो देखे नहीं, मुंह बोलता है, जीभ बोलती है, लेकिन जीभ ने देखा नहीं। सुने सो समझावे नहीं, कान सुनता है और कान समझा नहीं सकता। तो ये आंख कान नाक, ये सारी इंद्रियां कैसे संयुक्त होती है? आंख देखती है, कान सुनते हैं, जीभ बोलती है, कहीं भीतर किसी एक केंद्र पर ये सब मिलने चाहिए, अन्यथा ये संभव ही ना हो पाया। मैं बोल रहा हूं, आप कान से तो सुन रहे हैं और आंख से देख रहे हैं, लेकिन भीतर कहीं दोनों मिल जाते हैं और आपको लगता है वही आदमी बोल रहा है जिसको हम देख रहे हैं। आंख और कान अपने अनुभव को जाके कहीं भीतर किसी एक केंद्र पर उंडेल देते हैं, जहां मिलन हो जाता है। वो जो इंद्रियों के भीतर छिपा हुआ पुरुष, वो जो चैतन्य, चेतना आत्मा है, आंख देखती है, कान सुनते हैं, नाक सुगंध लेती है, हाथ छूते हैं, सब अपने अनुभव को ले जाके आत्मा में उंडेल देते हैं। जैसे चारों तरफ के द्वारों से नौकर चाकर सामान लाते हैं और मालिक के पास चरणों में रख देते। इंद्रियां अपने आप में तो कुछ भी नहीं कर सकती। जिस दिन भीतर का पक्षी उड़ जाता है, आंख बिल्कुल ठीक होती है लेकिन देख नहीं सकती, कान बिल्कुल ठीक होते हैं लेकिन सुन नहीं सकते, ओंठ बिल्कुल ठीक होते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, वो जो जोड़ था जा चुका, जिसके कारण वे सब जुड़े थे सेतु में, वो सेतु बिखर गया। जैसे माला के मनके हैं और भीतर एक धागा है, दिखाई नहीं पड़ता पर वही आधार है। धागा टूटा, मनके बिखरे हैं। इंद्रियां मन को जैसी, आत्मा धागे जैसी, वही उन्हें संभाले हुए है। और तुम नौकरों के पीछे चल रहे हो और मालिक की तुम्हें खबर ही नहीं। जो आंखें कहती उन्हीं के पीछे तुम चल पड़ते हो। आंख कहती सुंदर स्त्री, भागे। कान कहता है सुंदर संगीत, रुक गए। तुम इंद्रियों की सुन के चल रहे हो बिना ये जाने हुए कि इंद्रियों से ज्यादा असमर्थ और कौन। इंद्रियां तो बिल्कुल असहाय है, किसी और के कारण उनमें ज्योति है, किसी और के कारण जीवन है,
किसी और के कारण शक्ति है, कोई और ही असली मालिक है जो भीतर छिपा है, वो दिखाई नहीं पड़ता, वो धागे की तरह अनस्यूत है। माला के मन के दिखाई पड़ते हैं, सब बिखर जाएंगे मन के, एक क्षण न लगेगा, भीतर का पक्षी भी उड़ जाए। तो नानक कहते हैं, जो देखे सो कहे नहीं, कहे सो देखे नहीं, सुने सो समझावे नहीं, रसना दृग सुत का नहीं। इनका क्या उपयोग है, आंख का नाक का कान का? तुम क्यों इनके पीछे दीवाने हो? तुम उसकी फिक्र लो जिसकी ये सेवा में रहती, मालिक को खोजो, वही मालिक आत्मा है। भरो हो सो रीतई, रीतो हो भराए, रीतो भरो न पाइये, अनुभव सोई कहा है। अनुभव की ऐसी व्याख्या दुर्लभ है। बड़े बड़े ज्ञानियों ने अनुभव की व्याख्या की चेष्टा की है, लेकिन कबीर करीब करीब सफल हो गए। इसे थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करें। जीवन विपरीत का जोड़, दिन आती रात आता, जन्म होता मृत्यु होती, सुख दुख, संपत्ति विपत्ति, स्वास्थ्य बीमारी, एक दूसरे में बदलते रहते हैं। अभी स्वस्थ थे, घड़ी भर बाद बीमार हो गए। जब स्वस्थ थे तो सोच भी ना सकते थे कि बीमारी आ सकेगी, जब बीमार हो गए तो भरोसा नहीं आता कि फिर कैसे स्वस्थ होंगे। घड़ी भर पहले प्रसन्न थे, अब उदास हो गए। जब प्रसन्न थे तो ऐसा लगता था कि अब कैसी उदासी, जीत लिया पा लिया, अब उदास हो गए तो अब ऐसा लगता है अब कैसे उभरेंगे इस उदासी से, फिर कभी प्रसन्न हो पाएंगे कि ना हो पाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा ही समझो, अगर लौट के देखो, जीवन का विश्लेषण करो, तो पाओगे कि हर चीज अपने से विपरीत में बदल जाती है। ना तो सुख टिकता है ना दुख टिकता है, सुख दुख में बदल जाता है, दुख सुख में बदलते रहते हैं। अगर ये समझ आ जाए तो ना तो तुम दुख में दुखी होगे, क्योंकि तुम जानते हो थोड़ी देर में ही ये बदल जाएगा, और ना तुम सुखी में मतवाले हो जाओगे, सुख में इतने उत्तेजित न हो जाओगे कि भूल जाओ सब। तुम जानते हो कि थोड़ी देर में बदल जाएगा, दिन आया रात आएगी, रात आई दिन आएगा। इसको कबीर ने कहा है, रीत भरो होए सो रीतई, जो भरा है वो खाली होगा। इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, जीवन का शाश्वत नियम। जो जवान है वो बूढ़ा होगा, जो जीवित है वो मरेगा, जिसने पाया है वो खोएगा, जो सफल है वो असफल होगा, जो शिखर पे पहुंच गया खाई में गिरेगा। भरो हो सो रीतई, जो भरा है वो खाली होगा, रीतो हो भरा है, और जो रीता है वो भरेगा। पहाड़ गिरेंगे झीलें बनेंगी, झीलें भरेंगी पहाड़ उठेंगे, ऐसा होता ही रहा है। रीतो भरो न पाइए, अनुभव सोई का है। तो एक ऐसी दशा पानी है जहां ना तो हम रीते हों और ना भरे, तभी मुक्ति, तभी मोक्ष, तभी परमानंद, क्योंकि फिर कोई फर्क ना होगा। रीतो भरो न पाइए, तो क्या तुम अपने भीतर एक ऐसी दशा भी खोज सकते हो जब ना तो तुम कह सको कि मैं रीता हूं और ना कह सको कि भरा हूं, ना तो कह सको कि दुखी हूं और न कह सको कि सुखी हूं, न तो कह सको कि शांत हूं न कह सको कि अशांत हूं, न तो कह सको कि जीवित हूं और न कह सको कि मरा हूं। दोनों के ठीक मध्य में अतिक्रमण, ट्रांसेंडेंस, दोनों के मध्य में जिसको जिसने पा लिया, विपरीत के बीच में जो संभल गया। कहते कबीर, अनुभव सोई कहा है, वही अन्भव है आत्मा का, अन्यथा सब अनुभव मन के। मन है द्वंद, मन है अपने विपरीत के साथ डोलना। मन या तो दुख या सुख, मन
या तो प्रसन्न या अप्रसन्न, मन या तो हारा हुआ या जीता हुआ, मध्य में कभी नहीं टिकता। मन घड़ी के पेंडुलम की तरह घूमता रहता है, और जब घड़ी का पेंडुलम बीच में टिक जाता तो घड़ी बंद हो जाती। जिस दिन तुम मध्य में ठहर जाओगे उसी दिन मन की घड़ी बंद हो गई, उसी दिन समय बंद हो गया, उसी दिन आवागमन बंद हो गया, उसी दिन तुम मुक्त हो गए। मध्य में है मुक्ति, और मध्य को बदलने वाला कोई भी नहीं, मध्य के विपरीत कोई भी नहीं। इसलिए बुद्ध अपने मार्ग को मध्यम मार्ग कहते हैं, मध्यम निकाय, द मिडिल वे, बीच में आ गए सब पा लिए। लेकिन जिस भांति कबीर ने कहा है, इस भांति खोजना बहुत मुश्किल है। ज्ञानियों को भी समझाने के लिए एक अति या दूसरी अति को चुनना पड़ा है। वेद कहते हैं भर जाओ, उस परिपूर्ण से इतने भर जाओ कि जरा भी खाली न रहो। बुद्ध कहते हैं खाली हो जाओ, शून्य हो जाओ, अहंकार से इतने खाली हो जाओ कि रत्ती भर अहंकार न रहे। बुद्ध खालीपन के द्वारा उस तरफ इशारा करते हैं, वेद भरेपन के द्वारा उस तरफ इशारा करते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। बुद्ध कहते हैं अहंकार से खाली हो जाओ, शून्य हो जाओ, इसलिए बुद्ध का मत शून्यवाद कहलाता है। उनकी उनका जोर शून्य पर है, नकार और शून्य का प्रयोग करते हैं। अहंकार से खाली हो जाओ, फिर वो नहीं कहते कि तुम परमात्मा से भर जाओगे, वो अपने आप हो जाएगा, उसकी चिंता ना करो, अहंकार से खाली हो जाओ। वेद दूसरी तरफ से चर्चा करते हैं, शंकर वेदांत, भर जाओ परमात्मा से, तुम खाली होने की चिंता ही मत करो। जब तुम बिल्कुल भर जाओगे, अहंकार बाहर फेंक दिया जाएगा अपने आप। जब परमात्मा भरेगा तुम में, अहंकार को जगह न रहेगी टिकने की। लेकिन कबीर बेमिसाल है, कबीर बेजोड़, कबीर बुद्ध से ज्यादा सफल है अनुभव की व्याख्या में, वेद से ज्यादा सफल है। वेदांत और बुद्ध दोनों से ज्यादा बारीक उन्होंने बात कह दी, और वो ये है, भरो होए सो रीते, रीतो होए भराए, रीतो भरो न पाइये, अनुभव सोई कहाए, ऐसो अद्भुत मत कथो। वो खुद भी समझ गए हैं इस बात को कि बात अद्भुत है, अनूठी, कभी कही नहीं गई, कथो तो धरो छिपाए। ये एक ऐसी अनूठी बात है, कबीर कहते हैं कि मैं इसे छिपा के रखे हुए हूं कि कोई पात्र मिले तो उसको कहूं। वेद कुरान ना लिखी, वेद और कुरान में लिखी नहीं है ये बात, कहूं तो को पतिया है, और अगर मैं कहूं सबसे कौन मेरी सुनेगा। वेद में लिखी हो तो शायद लोग मान भी लें, कुरान में लिखी हो तो शायद लोग मान भी लें, लेकिन न वेद में लिखी है न कुरान में। भरो हो सो रीतई, रीतो हो भराए, रीतो भरो न पाइये, अनुभव सोई कहाए, ऐसो अद्भुत मत कथो, कथो तो धरो छिपाए। कहना चाहता हूँ ये अद्भुत बात मेरे ख्याल में है, लेकिन छिपाते रखे हूँ, किसको कहूँ, कौन पतियाएगा, कौन भरोसा करेगा, क्योंकि न तो लिखी है कुरान में न लिखी है वेद में। वेद में होती हिंदू मान लेते, कुरान में होती कम से कम मुसलमान मान लेते, इसे कोई भी न मानेगा। सच तो यह है, धर्म की बात न हिंदू मानेगा न मुसलमान मानेगा, धर्म की बात तो वही मानेगा जो न अब हिंदू है न मुसलमान है न जैन है न ईसाई है न पारसी है न सिख है। धर्म का कोई नाम नहीं, धर्म विशेषण रहित है, संप्रदायों के नाम है, और सभी संप्रदाय किसी एक पहलू पर जोर देते हैं। कोई भरे पर जोर देगा, कोई खाली पर जोर देगा। कबीर कहते हैं दोनों पर जोर मत दो, तुम बीच में ठहर जाओ और उस जगह को खोज लो, और ऐसी जगह है। कैसे तुम खोजोगे, जब दुख आए तब तुम शांत बैठ जाओ और दुख को देखो, कुछ करो मत दुख को मिटाने के लिए, हटाने के लिए, लड़ने के लिए, बुलाने के लिए, कुछ भी मत करो। दुख आए, आंसू बहे, हृदय रोए,
तुम बैठे भीतर गुफा में छिपे देखते रहो। तुम कोई कोशिश मत करो दुख को हटाने की, क्योंकि अगर तुमने दुख को हटाने की कोशिश की तो अर्थ हुआ कि तुम सुख को मांगने की कोशिश कर रहे हो। अगर दुख खालीपन था तो सुख भरापन होगा। जब दुख आए तब भी तुम शांत बैठ कर देखो, पकड़ने की कोशिश मत करो। कोशिश मत करो कि बच जाए, ठहर जाए और थोड़ी देर रुक जाए। देखते रहो, आए तो ठीक, जाए तो ठीक। क्योंकि अगर तुमने सुख को पकड़ने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, उसी कोशिश से दुख को निमंत्रण मिल जाता है। जितना तुम सुख को रोकना चाहोगे उतने ज्यादा दुखी होगे। दोनों एक दूसरे से जुड़े। अगर तुम एक तरफ ज्यादा झुके तत्क्षण दूसरा आ जाएगा। तुमने कभी नट को रस्सी पर चलते देखा? तो सारा जीवन का खेल उस रस्सी में छिपा है। नट एक बांस को हाथ में ले लेता है रस्सी पर चलते वक्त, ताकि अपने को बैलेंस संतुलित कर सके। हर कदम पे खतरा है। जरा ही बाएं झुकता है कि घबराहट पैदा होती कि बाएं गिर जाएगा। तो जैसे ही बाएं झुका तो तत्क्षण अपने डंडे को दाएं झुकाने लगता है। जैसे खतरा पैदा हुआ कि अब बाएं अगर जरा और झुका तो गिरूंगा, वो तत्क्षण अपने को दाएं ले लेता है ताकि संतुलन बन जाए। लेकिन फिर खतरा है, क्योंकि संतुलन कोई स्थायी चीज नहीं। हर क्षण बनानी पड़ेगी, हर कदम पर बनानी पड़ेगी। अब वो दाएं झुक जाएगा थोड़ा ज्यादा तो फिर खतरा पैदा हुआ कि गिर जाएगा। फिर बाएं झुकाता है, बाएं झुकाता है ताकि दाएं ना गिर जाए, दाएं झुकाता है ताकि बाएं ना गिर जाए। ऐसे बीच में रस्सी पे संभलता है। सुख और दुख दाएं बाएं। और अगर तुम शांत भीतर बैठ जाओ, न तुम दाएं झुको न तुम बाएं झुको, तुम सिर्फ देखते रहो, साक्षी बन जाओ। दुख आए तो दुख को जानो बिना किसी निर्णय के कि अच्छा हुआ बुरा हुआ, होना था नहीं होना था। सिर्फ जानो कि दुख है, उसकी प्रतीति करो। सुख को लाने की कोशिश मत करो अन्यथा झुके तुम दूसरी तरफ। जब सुख आए पकड़ने की कोशिश मत करो अन्यथा झुके तुम दूसरी तरफ। और अगर तुम दोनों को देखते रहो देखते रहो देखते रहो, एक दिन अचानक तुम पाओगे कि तुम दोनों से पृथक हो। अचानक तुम पाओगे कि दोनों तुम्हारे आसपास हो रहे हैं और तुम दोनों के पार हो। ये जो पार तत्व है, यही पार ब्रह्म। ये जो पार तत्व है जो दोनों को देखता है और दोनों नहीं, यही है वो घड़ी। रीतो भरो न पाई, फिर न तुम खाली हो और न भरे हो, क्योंकि न तुम सुख हो न तुम दुख हो। अनुभव सोई कहा है, ऐसो अद्भुत मत कथो, कथो तो धरो छिपाए। वेद कुरान न लिखी, कहूं तो को पतिया है। आज इतना ही।